हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का व्लॉग वीडियो हम दिखाएंगे आपको गुजरात से। स्टेचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं, हम गुजरात से अभी जा रहे हैं, तो हम रवाना हो गए हैं घर से सब प्यार होके। देखिए हम पहुंच गए हैं अभी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए यहाँ का भीड़ नज़र शाम के टाइम का, सभी लाइटिंग शो देखने के लिए खड़े हैं इधर। कितनी भीड़ है देखिए, और वह है प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल की, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है सामने, देखो। लाइट होती शाम तभी आ रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग शुरू हो गई है। देखिए एक और खनक साक्षा बना हुआ अंदर, लाइट एंड वेन्यू सब तरह की लाइट है, चल रही है इसके अंदर। ऊपर वो है नीचे मशीन है, बस पूरा अंदर है। तो देखिए पूरा का पूरा लाइटिंग सिस्टम चल रहा है इधर। पता नहीं कैसे कैसे लाइटिंग लगी हुई है अंदर। शाम का समय है, देख सकते हैं वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चेहरा चेंज है। ये देखो मूर्ति कैसी है, आपको कैसा चेहरा नज़र आ रहा है, वीडियो के अंदर बने रहें, पूरा का वीडियो एंड तक देखें। Thank you.
तिरंगा की तस्वीर आई है, इतना अच्छा शोरूम है। पार्किंग में जाने के लिए यहाँ से सीधी लाइन में चलते रहिए आगे, और रेलवे स्टेशन जिसको भी जाना हो वहाँ सामने एक नंबर स्टैंड पे बस खड़ा है, रेलवे स्टेशन के लिए एक नंबर बस स्टैंड। जिसको भी कार पार्किंग जाना हो ये बस के आगे से लाइन है, सीधे लाइन में चलते रहिए आगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हमने कोशिश की आपको दिखाने की पूरा वीडियो अच्छे से। शाम का समय है, लाइटिंग शो चल रहा है, देखिए कितना सुंदर है। जिसको भी पार्किंग जाना हो यहाँ से सीधे लाइन में चल चले आगे, पार्किंग वाले। तो दोस्तों बीच बीच में ये परेशान कर रहा था, मतलब यात्रियों को बता रहा था मतलब कौन सी बस कहाँ जा रही है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो का जो आवाज़ थी वो किए बंद, और यहाँ पर जो बस हैं ये भी निःशुल्क हैं, कोई किराया नहीं लगता इसके अंदर। वापस जो वहाँ पर पार्किंग होती है वहाँ पर छोड़ने के लिए और रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है ये लाइटिंग शो स्टेचू ऑफ यूनिटी की, देख सकते हैं आप, सब तरह की लाइटिंग थी पीछे भी, वीडियो के अंदर आपने देखी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।